बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। लर्न विद राजा तैयब के चैनल में आपको वेलकम करता हूँ। HVAC 20 बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चंस पार्ट 2 आज लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। ये वो क्वेश्चंस हैं जो आप किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में जब इंटरव्यू के लिए जाएंगे या किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो ये से क्वेश्चन हैं। इनमें से कोई ना कोई तो आपसे टोटल 70 क्वेश्चंस के ये टोटल पार्ट्स होंगे, मतलब 3 पार्ट्स पे डिवाइड होगा और टोटल जो क्वेश्चंस होंगे वो 70 होंगे। तो इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे पूछे जाएंगे और स्पेशली तौर पे कोई ऐसे लोग जो बाहर जाना चाह रहे हैं, लाइक फॉरेन जाना चाह रहे हैं, चाहे वो इंडिया से जाना चाह रहे हैं या पाकिस्तान से जाना चाह रहे हैं और गल्फ कंट्रीज लाइक सऊदीया या दुबई में जाना चाह रहे हैं, तो उनके लिए ये क्वेश्चंस बड़े हेल्पफुल होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। हाउ डू यू कंट्रोल और बैलेंस द चिल वाटर? तो आंसर इज द डबल रेगुलेटिंग वॉल इन मेन लाइन रिटर्न यूजली कंट्रोल फ्रॉम रिटर्न यूजिंग ड्राई। हाउ डू यू कंट्रोल द नॉइज और वाइब्रेशन इन द डक्ट? So learning NC35 and reinforcement. Temperature of water at outlet of chiller and inlet of AHU. मतलब कि चिलर पानी का टेम्परेचर चिलर के आउटलेट और AHU के इनलेट पे क्या होता है? तो आउटलेट ऑफ चिलर 6-7 डिग्री सेंटीग्रेड एंड इनलेट ऑफ AHU 7-8 डिग्री सेंटीग्रेड एंड आउटलेट ऑफ AHU 10-11 एंड इनलेट ऑफ चिलर 13-15 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट आर द प्राइमरी पंप्स एंड सेकेंडरी पंप्स? द पंप्स ऑफ चिलर टू बिल्डिंग इज प्राइमरी एंड बिल्डिंग ट्रांसफर इज सेकेंडरी। AHU एंड FCU वॉल कनेक्शन डिटेल्स, इसकी वीडियो जो है मैं बहुत जल्द अपलोड करूंगा तो आप उसमें इसका आंसर जो है वो देख लीजिएगा। व्हाट इज CFM वैल्यू? इज इक्वल टू 0.417 लीटर पर सेकंड। व्हाट आर द रेफ्रिजरेंट्स यूज इन सेपरेट यूनिट? R22, जो जितने भी हमारे ओल्ड एयर कंडीशनर हैं उनमें R22 यूज़ हो रहा है और अब जो नए आ रहे हैं उनमें R410A, R407C और इसके अलावा R32 को भी यूज़ किया जा रहा है। What are the ducts, heater and why do we use them if we already having heating option in AHU? Just to provide heating in some specific areas. AHU में हमारे पास already से heating options होता है तो कुछ specific areas में heating के लिए हम duct heaters को use करते हैं। What is VAV and its working? VAV and VRF both are same things. VAV mean variable air volume and VRF mean variable refrigerant flow. मतलब depend on the each जो component होगा, एक outdoor होगा और multiple indoors होंगे और हर जो indoor होगा वो load के हिसाब से जो है वो operate होगा। मतलब एक time में हम VRF में हमारे पास 3 types के होते हैं। एक हमारे पास जो होता है वो उसको हम 2-pipe भी कहते हैं और 3-pipe होता है और 2-pipe में हमारे पास ओनली कूलिंग सिस्टम होता है या हीट पंप सिस्टम होता है, उसमें एक टाइम में हम हीटिंग करते हैं या एक टाइम में हम कूलिंग करते हैं, और एक होता है हमारे पास रिकवरी सिस्टम, हीट रिकवरी सिस्टम, उसमें हम सेम टाइम में हीटिंग भी कर रहे होते हैं और सेम टाइम में कूलिंग भी कर रहे होते हैं। तो VAVV जो है ये डाइकन का जो है उनका ट्रेडमार्क है, तो बाकी जितनी कंपनीज हैं उसको VRF के नाम से जो है वो यूज़ करती हैं। What is three-way valve and two-way valve? Where we will use them and why? Two-way valve, it will regulate the flow as per demand and it will be fitted in the return line. And three-way valve, if the AHU is closed and is running on the main load, minimum load, then it will bypass. Connected मतलब BMS के साथ ये connect होता है. What is duct gauge normally we use in building for cooling and for exhaust ducts? For supply we use 22 गेज एंड फॉर एग्जॉस्ट वी यूज 18 गेज। दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप डक्टिंग के रिलेटेड आप जा रहे हैं तो आपसे ये क्वेश्चन लाजमी पूछा जाएगा। टाइप ऑफ डक्ट जॉइंट, स्लिप जॉइंट, फ्लेंज जॉइंट्स एक्सेट्रा। स्टैंडर्ड बुक फॉर HVAC वी फॉलो इन डक्ट डिजाइनिंग आर एस्टे एंड सेवन सा।
व्हाट इज स्मोक एंड लाइट टेस्ट, इसकी वीडियो भी इंशाल्लाह, स्मोक टेस्ट और लाइट टेस्ट क्या होते हैं एचवीएसी में, इसकी भी वीडियो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको लेक्चर मिलेगा। व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स यूज्ड फॉर डक्ट डिजाइनिंग, इक्वल फ्रिक्शन, वेलोसिटी एंड स्टैटिक रीगेन। हाउ डू मेजर एंड कंट्रोल द नॉइज लेवल इन एसी सिस्टम, नॉइज लेवल हम मेजर करते हैं डीबी मीटर, जिसको हम डेसिबल मीटर भी कहते हैं या साउंड लेवल मीटर कहते हैं। इट कैन बी प्रोवाइडिंग एसोस्टिक टू द यूनिट पैनल इफ द साउंड क्रॉसिस द सेट नॉइज क्राइटेरिया, वी हैव टू गो फॉर द साउंड एटेन्यूएटर्स। व्हाट आर द रिकमेंडेड प्रेशर ड्रॉप्स इन चिल वाटर पाइप्स, 210 पास्कल पर मीटर और 0.84 इंचेस। व्हाई डू वी यूज फायर डैम्पर, स्प्लिटर डैम्पर एंड रॉन इट डैम्पर। फायर डैम्पर आर यूज्ड टू स्टॉप द फायर व्हेनेवर डक्ट पासिंग थ्रू द फायरवॉल। स्प्लिटर डैम्पर आर यूज्ड टू स्प्लिट द मेन डक्ट फॉर प्रोपोर्शनल एयर बैलेंसिंग। एंड नॉन रिटेन डैम्पर आर यूज्ड टू स्टॉप द बैक फ्लो ऑफ एयर इन द डक्ट। NRD जो नॉन रिटेन एयर डक्ट यूज इन एग्जॉस्ट एंड वेंटिलेशन सिस्टम वाली, जो नॉन रिटेन डक्ट होते हैं ये एग्जॉस्ट और वेंटिलेशन सिस्टम के लिए होते हैं। फायर डैम्पर जो होते हैं वो फायर को स्टॉप करने के लिए, जब डक्ट जो है वो फायर वाल से गुजर रही हो। और स्प्लिटर डैम्पर जो होते हैं वो एयर बैलेंसिंग की के लिए, मतलब उसको स्प्लिट करने के लिए यूज होते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जॉस्ट फैन यूज टू एग्जॉस्ट द एयर, एक्सियल टाइप प्रोपेलर फैन, फॉरवर्ड कर्व ट्विन फैन, डायरेक्ट ड्रिवन सेंट्रीफ्यूगल फैन। व्हाट आर द डिफरेंट डक्ट शेप नॉर्मली यूज, तो कौन कौन सी डिफरेंट शेप्स होती हैं, रेक्टेंगुलर टाइप्स, राउंड, स्पाइरल एंड ओवल टाइप्स। तो ये 20-40 क्वेश्चन हो गए, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो हैं वो काफ़ी आपके लिए अहम होंगे और आप इनको ज़रूर एक बार स्टडी कीजिएगा। इसके साथ साथ जो ये स्लाइड्स हैं इनका जो मटेरियल है, मतलब जो स्लाइड्स का जो लिंक है, अगर आप इनको डाउनलोड करके पढ़ना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा और आगे फॉरवर्ड कर दीजिएगा।